हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस बॉय। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले वॉच के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से फीचर एक अच्छी स्मार्ट वॉच के अंदर होते हैं, ताकि आप पिछले ढंग से वेरीफाई कर लें कि जो भी वॉच आपको लेनी है उसमें ये सारे फीचर उपलब्ध हैं या नहीं है। लेकिन फीचर्स की बात छोड़िए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को वॉच की सर्विस कराने में हो रही है। और जितनी भी सारी कंपनियां हैं, सब कंपनियों के वॉच को सर्विस कराने में लोगों की हालत खराब हो जा रहे हैं। सभी कंपनियों की सर्विस जो कि बहुत बुरी तरह से काम कर रहे हैं, लोग उससे एकदम असंतुष्ट हो चुके हैं। तो बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन सी वॉच मुझे लेनी चाहिए जिसका सर्विस सेंटर बेहतर हो, आप बताइए। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं दो चार कंपनियों का नाम लेके बताऊंगा जिसमें कि जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में चल रही है स्मार्ट वॉच के, जो कि स्मार्ट वॉच पे ज्यादा ध्यान दिए हैं। तो इस लाइनअप में सबसे पहले बात कर लेते हैं तो फायरबोल्ट की, क्योंकि इस समय फायरबोल्ट कंपनी बहुत तेजी से उभर के आई है, जो कि स्मार्ट वॉच की दुनिया में और बहुत स्मार्ट वॉच बना रही है। लेकिन उसकी सर्विस तो इतनी बुरी है कि मैं बता भी नहीं सकता। मैंने उस पर वीडियो बनाया है, अब जाकर वहां देख लीजिएगा। बाकी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सीधे सीधे बोलूंगा कि आपको फायर बोल्ट की वॉच लेनी ही नहीं है। और बहुत से लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे कि सर, फायर बोल्ट वॉच को मैंने ऑर्डर तो कर दिया उसकी खुद के साइट से, लेकिन अब मुझे कैंसिल करना, लेकिन वहां कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ साफ साफ, अगर जब भी आप फायर बोल्ट की साइट से ऑर्डर कोई वॉच किए हैं, तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी किए हैं तब आप उसे कैंसिल नहीं मार सकते, वो कैंसिल को ऑर्डर नहीं आ रहा है। आप जब भी आपका प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है, कोरियर बॉय आपको कॉल करता है, आप उस वक्त उनसे बोल सकते हैं कि सर मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, तभी वो कैंसिल हो सकता है। या फिर आप उसे रिसीव कर लीजिए, फिर एक दो दिन यूज करिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तब वो कैंसिल या रिप्लेसमेंट में जाएगा। बाकी जो लोग अगर पहले पेड कर दे रहे हैं पैसा, तब वहां शायद कैंसिल का ऑर्डर दिख रहा है, तो इजीली ढंग से कर ले रहे हैं कैंसिल, प्रॉब्लम उन्हें ही आ रही थी जो कि कैश ऑन डिलीवरी पे है। तो अब चलिए अगली अगर वॉच की बात कर लेते हैं तो अमेज फिट की। ये तो लगभग कई सालों से काम कर रही है अमेज फिट। अमेज फिट की भी वॉच देखने में काफी अच्छी लगती है और अच्छी प्राइस पे भी बढ़िया फीचर्स मिल जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे जगह सर्च किया तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। अमेज फिट का भी सर्विस बहुत बुरी तरह है, अमेज फिट की भी सर्विस एकदम अच्छी नहीं है, जो आपको काफी परेशान कर सकती है। और अमेज फिट का अगर सर्विस आप अगर ऑनलाइन ढूंढते हैं कहीं भी, तो आपको सिर्फ एक ही सर्विस सेंटर दिखाई देता है, वो भी गाजियाबाद के नजदीक में, दिल्ली के करीब में। और उसमें भी मैंने एक दो लोगों से बात किया तो पता चला कि आप अगर कंप्लेन कर भी देते हैं ऑनलाइन, तो आपको वो वॉच को कोरियर करके भेजना पड़ता है। जब आप कोरियर करके सर्विस सेंटर के जहाँ को एड्रेस बताएंगे, लगभग गाजियाबाद का ही बहुत से लोगों ने बताया, तो आपको वो वॉच वहाँ भेजना पड़ेगा। उसके बाद भी कई दिन तक आपका ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहता है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर अगर वॉच वहाँ पहुँच गई तब आपको मैसेज वैसे आता है 10-15 दिन बाद कि आपकी वॉच मुझे मिल चुकी है, और वो कब रिपेयर होकर मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। फिर वही कारनामा शुरू हो जाता है, आप कॉल करते रह जाएंगे, उधर से कॉल रिसीव नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो मैं अमेज फिट की भी लेने की सलाह नहीं दे सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं नॉइज की। नॉइज कलर फिट प्रो, नॉइज कलर फिट 2, नॉइज कलर फिट 3 ऐसे करके बनाती है। तो अगर नॉइज की बात कर ले तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया, तब जाकर पता चला कि सर्विस के मामले में ये भी बेकार है, इसकी भी सर्विस। लेकिन फायरबोल्ट की क्या है कि 6-6 महीने लग जा रहे हैं फिर भी सर्विस नहीं हो रही। मेरी खुद की वॉच 6 महीने से पड़ी है घर पे, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन नॉइज में क्या है कि लोगों ने बताया कि इसकी सर्विस तो मिल जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा डिले मिलेगी। इसमें भी वही है कि आप कंप्लेन करेंगे फिर 10-15 दिन बाद आपको वो ले जाएगा, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी हो जा रहा है तो आपको उनके जगह पे जहां वो बताएंगे आपको खुद कोरियर से सेंड करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, रिसीव कर लिए तब, बहुत बार तो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, हर जगह यही प्रॉब्लम है। रिसीव कर लिए फिर वहां आपको बताना पड़ेगा अपना टोकन नंबर, तब जाके मतलब इसमें भी आपको टाइम लग जा रहा है लगभग 1 महीने का। लेकिन आपकी वॉच सर्विस हो जाएगी लेकिन थोड़ा डिले होगा। अब लास्ट बात कर लेते हैं जो कि इस सेगमेंट में है, जो कि 5-7 हजार में जो कि थोड़ा नामी है, रियलमी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही चारों कंपनियां मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगी, इसलिए मैं इन्हीं चारों के बारे में बात ही किया। रियलमी का वॉच आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई साहब ने 1-1.5 महीने पहले एक वॉच मंगाई थी रियलमी डीजो 2 का, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में बनाई है, और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या क्या फीचर है वो भी मैंने बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं उस वॉच को। तो रियलमी का थोड़ा सा सर्विस मुझे सही लगा, मैंने बहुत से लोगों को बात किया, उसमें क्या है कि थोड़ा कम प्रॉब्लम भी है। पहली बात की प्रॉब्लम कम है, और रियलमी की वॉच इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेने के लिए क्योंकि लगभग रियलमी क्या है कि ओप्पो का ही सब ब्रांड है, तो आपको रियलमी की अगर वॉच में प्रॉब्लम होती है तो रियलमी का सर्विस सेंटर लगभग हर जगह मिल जाता है। अब जैसे आप मेरे वाराणसी में ले लीजिए, मैंने वाराणसी में बहुत सारे रियलमी के सर्विस सेंटर है, उसी तरह मैं इलाहाबाद भी रहता हूँ,
तो इलाहाबाद में भी देख लीजिए, अगर इलाहाबाद में वहाँ आपको आराम से इंजीनियर ढंग से सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, लखनऊ में मिल जाएंगे। तो रियलमी में ज्यादा प्रेफर आप लोग को कर रहा हूँ, हो सके तो आप रियलमी की वॉच देख लीजिए, कम से कम अगर प्रॉब्लम होगी तब। ऐसा इसमें बहुत कम प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो भी गई तो आप इजीली ढंग से कम आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर पे पहुंच सकते हैं। और जो ऑनलाइन का प्रोसेस होता है उसमें बहुत लंबा होता है, बहुत पेचीदा होता है। आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर पहुंच जाएंगे तो वहाँ आपका काम इजीली ढंग से हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप वॉच को लेनी है, क्योंकि सारे वॉचों की हालत खराब है, मैंने चार ब्रांड के नाम बताए, बाकी ब्रांड तो बहुत सारे हैं, लेकिन सोचिए जब ये इतना नामी है जो कि फेमस है, बिक भी रहे हैं, तब उनकी हालत ये है, तो बाकी की तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आप हो सके तो रियलमी की वॉच लीजिए। इसमें आपको सिर्फ एक ही फायदा है कि आपकी कम से कम सर्विस आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगी, आप इजीली ढंग से खुद लेके वॉच को सर्विस सेंटर पे पहुंच सकते हैं। और ये भी हो सकता है, मान लीजिए आप रियलमी के सर्विस सेंटर पे चले, वॉच जमा कर दिए और आपको कोई नंबर मिलेगा, इस पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, तो आप पूछते, अगर बंदा रिसीव नहीं करता है तो आपके नजदीक में सर्विस सेंटर है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो आप इजीली ढंग से कम से कम 10 दिन, 15 दिन बीत गया तो आप इजीली ढंग से जाकर वहां डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रियलमी का ये फायदा आपको मिल जाएगा जरूर से, क्योंकि रियलमी का सर्विस सेंटर आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।